upon us. We want the gore. That's what brought down the wrath of God. मूवी शुरू होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जिसमें मेल का नाम डेविड होता है, उसकी वाइफ और एक बेटा भी होता है। उन लोगों को फील होता है कि जैसे बाहर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तेज बारिश हो रही होती है और उससे भी ज्यादा थंडरिंग। तो ये देख के डेविड और उसकी फैमिली काफी डर जाती है कि कहीं ये तूफान ज्यादा बढ़ न जाए। अब ये फैमिली रात घर के बेसमेंट में गुजारती है ताकि सब सेफ रह सके, लेकिन सुबह उठकर जब अपने घर से बाहर आते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं। हर चीज पतली हुई लग रही थी क्योंकि तूफान ने सारा कुछ तबाह कर दिया था। दूर ही इन्हें मिस्ट दिखाई देती है। इस एरिया में इतनी ज्यादा मिस्ट पहले कभी देखने को नहीं मिली, तो ये बात इनके लिए सरप्राइजिंग भी होती है और शॉकिंग भी। डेविड के नेबर का घर और गाड़ी भी तबाह हो चुके होते हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो तो मुझे भी अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाओ। और अब ये सब लोग मिलकर सिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाके देखते हैं कि ट्रैफिक अनयूजुअल है, सबके सब लोग जल्दी में हैं। अब इन लोगों में बातें होने लगती हैं कि आर्मी वाले उन्हीं पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर काफी ज्यादा मिस्ट है और वहाँ से तेजी से वापस आ रहे हैं। ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने कहीं से सुना है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक यूएफओ क्रैश हुई और तो और उसमें एलियंस भी थे जो कि यहाँ पर मारे गए क्योंकि वो जम चुके थे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो मरे नहीं थे, मेल्ट होते ही वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। रास्ते में हम बहुत सी और भी चीजें देखते हैं जो कि लोगों में और भी ज्यादा डर पैदा करेंगी, यानी कि लोगों का स्टोर्स में जाके बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा कर, जैसे तूफान आने की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए लोग अपने घर में खाने पीने की और जरूरी चीजें इकट्ठी कर रहे थे कि फ्यूचर का कोई पता नहीं। उधर आर्मी में भी हलचल थी। तभी वहाँ पर हमें पूरे आदमी को देखते हैं जिसकी नाक से खून आ रहा होता है और वो सबसे कहता है उस जगह जहाँ पर मिस्ट है कभी भी मत जाओ, उस जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा टूर्नेडो आता है जो कि मिस्ट का ही बना होता है। वो लोगों को अपने अंदर लेने लगता है और हर तरह से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग अपने अपने बच्चों और अपने लोगों को लेकर स्टोर के अंदर ही छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे एक औरत बोलने लगती है कि मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, क्या कोई मेरी मदद करेगा, मेरे साथ बाहर आएगा? तो कोई भी उसकी मदद नहीं कराता क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र होती है। तो वो औरत अपने बच्चों के लिए खुद ही बाहर निकल जाती है। अब हम डेविड के बेटे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है और उसे सर्दी लग रही होती है। तो डेविड उसे कहता है, मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए अभी ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। वहाँ पर और लोग भी होते हैं जिन्हें वो अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद जाकर ब्लैंकेट लेने आता है। यहाँ पर वो देखता है कि किसी चीज से धुआं निकल रहा है, वो उस जनरेटर को ऑफ कर देता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और उसे देख रहा है। डेविड वहाँ से फौरन से भाग जाता है। बाहर जब वो निकलता है तो सारे स्टाफ मेंबर बात कर रहे होते हैं कि किसी ने जनरेटर बंद कर दिया है, हमें जाकर उसे ऑन करना होगा। डेविड उनको बहुत समझाता है कि वहाँ पर नहीं जाए, वहाँ पर कोई है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सॉलिड टीचर है, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब स्टाफ जब अंदर जाके उस चीज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जनरेटर में एक ऐसा इशू है जो कि बाहर जाकर ही ठीक हो सकता है। तो उनमें से एक वर्कर कहता है कि मैं बाहर जाकर इसको ठीक कर दूंगा, मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता। अब वो आहिस्ता आहिस्ता से शटर ऊपर करने लगते हैं ताकि वो लड़का बाहर जा सके, लेकिन वो लोग देखते हैं कि बाहर तो और भी ज्यादा मिस्ट है। और तभी उस मिस्ट में से किसी का टेंटिकल बाहर आता है और उस लड़के की टांग को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। अब डेविड उस लड़के को फौरन से पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन वो ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाला टेंटिकल उस आदमी को अपने साथ ही खींच लेता है और डेविड कुछ नहीं कर पाता। डेविड उसके टेंटिकल का कुछ हिस्सा काट लेता है। अब वो सारे स्टाफ मेंबर बाहर जाकर लोगों को ये बात बताने लगते हैं, लेकिन लोग उनसे कहते हैं कि तुम हमें डर पैदा नहीं करो। तभी ये लोग उनमें से एक आदमी को अपने साथ उसी जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर टेंटिकल का एक हिस्सा टूट कर गिरा। जैसे ही उसी से कुछ स्टिक से टच करते हैं तो उसमें जान आ जाती है, जैसे पानी का बन के बाहर निकल गया हो, इसीलिए कि वो दोबारा से अपनी बॉडी के साथ जुड़ सके या रिकवर हो सके। तो वो आदमी भी डर जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग सच कह रहे हो, हम जिस स्टोर में ये लोग होते हैं उसके विंडोज और दरवाजे शीशे के थे। तो उनको ये खतरा था कि बाहर वाले क्रिएचर शीशे तोड़ के अंदर आ सकती है और अगर उसने हमें देख लिया तब भी, तो ये डिफरेंट चीजों से उन शीशों को कवर करने लगते हैं। तभी डेविड का नेबर कहता है कि तुम लोग पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, मिस्ट से भला किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा, मैं बाहर जाकर दिखाऊंगा। इसी तरह उसके साथ और भी कुछ लोग होते हैं क्योंकि इस क्रिएचर पर यकीन नहीं कर रहे होते। तभी डेविड एक आदमी की कमर पर रस्सी बांध देता है कि ये मैं तुम लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूं, और ये सब लोग अब बाहर चले जाते हैं डेविड के उसी नेबर के साथ। लेकिन तभी डेविड को उस रस्सी पे कोई प्रेशर
फ्रस्ट्रेटेड फील होता है तो वो रस्सी को खींचने लगता है, लेकिन ये क्या, रस्सी के साथ उस आदमी की आधी बॉडी भी अंदर आ जाती है जिसे देख के सब चिल्लाने लगते हैं। इसी तरह से शाम हो जाती है और शाम के बाद रात, लेकिन ये लोग कुछ भी हल नहीं निकाल पाते। जनरेटर भी ऑफ होता है, लाइट भी नहीं होती तो हर तरफ अंधेरा होता है और लोग अपनी टॉर्च चलाकर गुजारा कर रहे होते हैं। तब ये सब नोटिस करते हैं कि शीशों पर फ्लाइंग बग्स आकर बैठ रहे हैं। ये बग्स काफी अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन इससे भी भड़क के बाद उन बग्स को खाने के लिए कुछ बड़े बड़े क्रिएचर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं और ऐसे परिंदे या क्रिएचर पहले किसी ने नहीं देखे होते। तभी अंदर वाले लोग नोट करते हैं कि जो छोटे छोटे बग्स हैं इनको अंदर वाली लाइट अट्रैक्ट कर रही है। सब लोग अगर अपनी टॉर्च बंद भी कर दें तो जनरेटर तो ऑन था और लाइट को पूरी तरह से बंद करना पॉसिबल नहीं था। तो एक परिंदा एक बग को खाते खाते वहाँ का एक शीशा तोड़ देता है और उनके अंदर आते ही वो एक औरत को काट लेता है, जिसकी वजह से उस औरत की डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ा परिंदा एक और आदमी की जान ले लेता है। फिर हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि उन परिंदों को आग लगाने वाला होता है, लेकिन उस बेचारे को खुद ही आग लग जाती है। तभी हम एक और औरत को देखते हैं जिसके सामने वही फ्लाइंग बग आ रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो औरत प्रे करने लगती है तो वो बग उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो सब लोग सोचते हैं कि ये अच्छा तरीका है और शायद ये प्योर लेडी है। ऐसे लग रहा था जैसे ये लेडी कुछ न कुछ जानती हो और उसका गॉड के साथ डीप कनेक्शन हो। इसी दौरान फ्लाइंग बग्स और भी लोगों को काफी जख्मी कर चुके होते हैं और उन्हें काफी दर्द हो रहा होता है। तो डेविड कुछ लोगों से बात करता है कि हमें मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लानी होंगी ताकि हम इन लोगों का इलाज कर सकें। अब डेविड और उसके साथ ही स्टोर तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ है। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। वो उनको बताता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, बहुत बड़ा मसला बन चुका है और ये हमारी ही गलती है। तभी उस आदमी की बॉडी से बहुत ज्यादा मकड़ियाँ बाहर आने लगती हैं और वो अपनी जाल इन लोगों पर फेंकने लगती हैं। इनमें से एक आदमी की टांग पर एक मकड़ी अपना जाल फेंकती है जिसमें किसी किस्म का कोई जहरीला मटेरियल होता है, जिससे उस बेचारे आदमी की टांग चलने लगती है और उसे दर्द होने लगती है। ये तो मारा जाता है और इसके साथ साथ एक और आदमी जिसके मुंह पर मकड़ी ने अपना जाल फेंका होता है, ये दोनों ही अब नहीं रहे थे। अब बाकी लोग वहाँ से दोनों लेकर वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर भी होता है जो कि उन्हें पहाड़ों पर ड्यूटी दे रहा था जहाँ पर ये मिस्ट अपीयर हुई। तो डेविड उसे पूछने लगता है कि क्या तुम जानते हो ये कैसी मिस्ट है और कहाँ से आई है। तो वो बताता है कि जिन पहाड़ियों पर हमारी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर एक पोर्टल था और हम सबका यही मानना है कि ये एलियंस और दूसरे क्रिएचर्स उसी पोर्टल से आ रहे हैं और उस जगह का एनवायरनमेंट भी ऐसा है, तभी तो वहाँ से मिस्ट भी यहाँ पर आ गई। तो तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसका गॉड से कोई कनेक्शन था, वो प्रे करके हमेशा बच जाती थी। वो आकर उस आर्मी ऑफिसर से कहती है ये वाकई तुम्हारी गलती है, जब हम सब इस दुनिया में खुशी खुशी रह रहे थे तो तुमने गॉड के डिसीजन में क्यों टांग गड़ाई, तुमने क्यों खुद से पोर्टल ओपन किया और ये सारी मुसीबत हम सब पर आ गई, तुम मरना डिजर्व करते हो। तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जिसको इस औरत की बात ठीक लगती है। वो आदमी उसे चाकू से मारकर जख्मी कर देता है और वो सब लोग जो उस औरत की बातों में आ चुके होते हैं इस आर्मी ऑफिसर को स्टोर से बाहर निकाल देते हैं ताकि क्रिएचर इसे आकर खा ले या अपने साथ ले जाए, कोई उस पर रहम नहीं करता। और जल्द ही एक क्रिएचर उसे ले जाता है। ये सब लोग रात नहीं गुजारते हैं और प्लान करते हैं कि सुबह होने पर किसी न किसी तरह यहाँ से भाग जाएंगे। अब सुबह होते ही डेविड अपने साथियों से कहता है कि हमें निकलना होगा, लेकिन वो लेडी जो कि प्योर होने का दावा करती थी डेविड से कहती है कि तुम नहीं जा सकते वरना क्रिएचर्स हम सबको मार डालेंगे। तो जो उस औरत के साथ लोग होते हैं वो भी डेविड को जाने से रोकते हैं और वो सब डिसाइड करते हैं कि हमें इन एलियंस को रोकने के लिए एक और सेक्रीफाइस देना होगा और वो इस बार किसी और का नहीं बल्कि किसी बच्चे का होगा। और यहाँ पर डेविड तुम्हारा ही एक बेटा है जो कि बच्चा है, हमें इसको सेक्रीफाइस करना होगा। तो डेविड कहता है हरगिज़ नहीं और उसके साथी उन लोगों को रोकने लगते हैं। और इसी तरह डेविड का एक साथ जो क्लासेस वाला आदमी होता है उस लेडी को शूट करके मार डालता है और ये उसका एक अच्छा स्टेप था वरना वो लेडी बाकी लोगों को अपनी बातों में लगाकर गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रही थी। डेविड अपने बेटे को गोद में उठाए और बाकी सब लोगों को लेके बाहर जाने लगता है ताकि अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा सके, लेकिन तभी इनके सामने एक क्रिएचर आता है जो कि दो तीन लोगों को मार डालता है। अब बाकी बचे लोग डेविड के गाड़ी में जाते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लोग देखते हैं कि घर गाड़ियाँ हर चीज तबाह हो चुकी है। डेविड जब अपने घर पहुँचता है तो ये देख के काफी टूट सा जाता है कि उसके घर में भी अब कुछ ठीक नहीं बचा था, इवन उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी। डेविड अपनी गाड़ी को लेके आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वो अब यहाँ कैसे रहता, लेकिन आगे जाते ही उसकी गाड़ी के सामने एक ह्यूज जायंट क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत खौफनाक लग रहा होता है और उसकी काफी ज्यादा टांगे होती हैं। लेकिन डेविड फौरन से अपनी गाड़ी आगे की तरफ ड्राइव कर लेता है। अब कंटिन्यूस ड्राइविंग की वजह से इसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी जान को बहुत खतरा होता है।
है क्योंकि एक रेयर चरवाहे किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते और वो सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम कभी भी अपनी बॉडी को इन एलियंस के सामने खाने के लिए पेश नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इनके हाथों नहीं मरेंगे। डेविड अपनी गन निकालता है जिसमें 4 बुलेट्स होती हैं। वो सबको शूट करके मार डालता है और इन भी खुद अकेला बच जाता है। इवन डेविड अपने बेटे को भी मार दिया था। अब वो अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है, आवाज लगाने लगता है एलियंस को कि ये खुद एलियन का खाना बन जाए क्योंकि खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और उससे कहती है कि हम आपको बचा लेंगे, हमने और भी लोगों को बचा लिया है और हमें वो तरीका मिल गया है जिससे हम इन एलियंस और इन स्पाइडर्स पर काबू पा सकते हैं। वो सब बकरियों के जालों को चला रहे होते हैं और एलियन से बचते हुए सब लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तो डेविड देखता है कि उस औरत को भी बचा लिया गया है जो कि स्टोर से बाहर अपने बच्चों को बचाने के लिए गई थी। तो यहाँ डेविड को बहुत बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो उसके साथी और उसका बेटा भी रेस्क्यू कर लिए जाते क्योंकि आर्मी ने बाकी लोगों को भी तो बचा लिया था। लेकिन डेविड ने उनको मार के बहुत बड़ी गलती की थी, इसके लिए उसे काफी रिग्रेट होता है और वो रोने लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।